गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन द क्लास 8। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं हमारा विषय मैथ्स स्टैंडर्ड 8। और जो हमारा चैप्टर हमने शुरू किया हुआ है उसका नाम है इक्वेशंस इन वन वेरिएबल, जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में स्टूडेंट देखा था कि प्रैक्टिस सेट 12.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 3rd, ठीक है ना, और इसके साथ साथ मैंने क्वेश्चन नंबर 2 और 4 मैंने आपको होमवर्क दिया हुआ था। अभी हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 और 4 की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया हुआ है जो कि 9m = 81 था। बहुत ही आसान सा ये उदाहरण है। देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है बेटा, 9m = 81 का मतलब होता है दैट इज इक्वल टू 9 × m इज इक्वल टू 81। जब भी यहाँ पे कोई भी डॉट या कोई साइन नहीं होता, जो मतलब m यहाँ पे वेरिएबल है, 9 ये कोई वैल्यू है, तो जब भी कोई वैल्यू या वेरिएबल या वैल्यू और वेरिएबल में कोई साइन नहीं होता तो समझ लीजिए कि वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इसलिए हमने यहाँ पे 9 × m = 81 लिखा हुआ है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग इसमें ये सॉल्व कर रहे हैं कि 9m = 81 ये कौन से वेरिएबल लेने के बाद सॉल्यूशन बनेगा, ये वो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। पहले हम लोग तो 3 से कैलकुलेट करके देखेंगे, फिर 9 से कैलकुलेट करके देखेंगे, फिर -3 से कैलकुलेट करके देखेंगे। तीनों वैल्यू में से कोई एक वैल्यू ऐसी होगी कि जिसको उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर 81 आएगा। वैसे आपको अंदाज़ा आ ही गया होगा कि 9 से अगर 9 को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 81 आंसर आता है, और 3 और -3 जो है वो इसके सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। तो व्हेन m इज इक्वल टू 3, हमने यहाँ पे वैल्यू 9 जैसे कि वैसी लिखी हुई है, m की जगह पे हमने 3 पुट किया हुआ है, और 81 भी जैसे कि वैसे लिखा, 9 × 3, 9 × 3 = 27 इज इक्वल टू 81, बट इट इज़ नॉट इक्वल टू 81 होने की वजह से ये जो वैल्यू है m इज इक्वल टू 3, ये इस इक्वेशन की वैल्यू नहीं है। अब हम लोग चलते हैं सेकंड वेरिएबल की तरफ। जब यहाँ पे आपको व्हेन m इज इक्वल टू 9 लेना है तो यहाँ पे 9 × m की जगह पे हमने 9 पुट किया हुआ, इज इक्वल टू 81, 9 × 9 = 81, 81 = 81, और हेंस बाय पुटिंग वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 9 वी आर गेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। मतलब जब हम लोग m की वैल्यू 9 पुट करते हैं तो हमें इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिल जाता है। अब हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, जिसमें आपको यहाँ पे बताया गया है कि वेरिएबल m की वैल्यू आपको 3 - 3 लेनी है। तो 9 × -3 रखने के बाद आपको इज इक्वल टू 81 ये वैल्यू जैसे कि वैसे इक्वेशन वाइज यहाँ पे रख देनी है। एंड देयरफॉर जब हमने 9 × -3 को मल्टीप्लाई किया है तो +(-) दैट इज इक्वल टू माइनस, तो 9 × 3 = 27, तो -27 इज इक्वल टू 81, बट -27 81 के बराबर नहीं होने की वजह से हमने यहाँ पे नॉट इक्वल टू का साइन दिया हुआ है। तो जब भी वैल्यू इक्वल नहीं होगी, याद रखिए, वहाँ पे हमें नॉट इक्वल टू का साइन कर देना है। अब हम लोग चलते हैं स्टूडेंट हमारे फोर्थ यानी के नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो स्टूडेंट देखिए, हमने यहाँ पे वैल्यू तो लिख ली है 3 - y = 4 एंड y = -1, 1 और 2। तो आपको यदि पता चल गया हो तो एकदम सही बात है कि इसमें जो वेरिएबल हमने यदि y = -1 ये वैल्यू अगर पुट की तो हमको सही आंसर मिल जाता है। तो इसे सॉल्व करके देखते हैं, सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन में आपको यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देना है व्हेन y = -1, देयरफॉर 3 - y = 4। देखिए ये जो इक्वेशन है ये हम पहले भी ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हमने पहले नहीं लिया तो दूसरी बार नीचे लिख लिया है, तो 3 - y की जगह पे हमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है बेटा, -1। याद रखिए कि ये -1 वैल्यू हमने यहाँ पे ब्रैकेट में पुट की हुई है, आपको भी ब्रैकेट में ही पुट करनी है, क्योंकि ब्रैकेट में कोई भी माइनस वैल्यू पुट करने से हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। इज इक्वल टू अब एज इट इज़ 4 हम लोग लिख लेंगे, एंड देयरफॉर देखिए बेटा यहाँ पे माइनस माइनस होता है प्लस, इस वजह से 3 + 1 इज इक्वल टू
हो जाएगा बेटा 4, और 4 इज इक्वल टू 4। अब हम लोग यहाँ पे आसानी से लिख सकते हैं, हेंस बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू -1 वी आर गेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। बट भले हमें यहाँ पे आंसर मिल गया हो, लेकिन अदर टू पॉइंट्स को भी हमको यहाँ पे सॉल्व करना ही है। तो देयरफॉर व्हेन वाई इज इक्वल टू 1, देयरफॉर 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, देयरफॉर 3 माइनस 1 वाई की जगह पे 1 पुट कर देंगे इज इक्वल टू 4। 3 में से एक गया, 2 बचेंगे इज इक्वल टू 4, जो कि 2 इज नॉट इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे हमारा ये वेरिएबल जो है वाई इज इक्वल टू 2, ये भी एक सही सॉल्यूशन नहीं हमें बता रहा है। अब हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड वेरिएबल की तरफ, जो कि है व्हेन वाई इज इक्वल टू 2, देयरफॉर 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, एंड देयरफॉर 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 4। तो 3 में से 2 गया, यानी कि क्या बचा बेटा, 1। 3 में से 2 घटाने के बाद 1 बचेगा, जो कि 1 नॉट इक्वल टू 4 है। तो यहाँ पे हमारा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है, जिसमें हमें करेक्ट वैल्यू पुट करने के बाद जो भी वेरिएबल से ये सॉल्यूशन सॉल्व होता है, उस सॉल्यूशन का आंसर हमें फाइनली लिख लेना है। और बाकी 2 हमें यहाँ पे उसके ऑप्शंस ऐसे मिल रहे हैं कि जो कि उनके सॉल्यूशन नहीं है। अब हम लोग चलते हैं हमारे टेक्स्ट बुक की तरफ। अब टेक्स्ट बुक में याद है बेटा कि हमने प्रैक्टिस सेट 12.1 स्टार्ट किया हुआ है, जहाँ पे हमारा यह क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट है। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस में हम लोग ये फर्स्ट एग्जांपल लिख लेते हैं। सो यहाँ पे हमने हमारा क्वेश्चन नंबर 2 लिख लिया है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज 17p माइनस 2 इज इक्वल टू 49। देखा जाए स्टूडेंट, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारी मेथड का आप बहुत आसानी से यूज़ कर सकते हैं। बट मैं वो मेथड आपको न पढ़ाते हुए एक सिंपल सी मेथड से इसे सॉल्व करना पढ़ाता हूँ। देखिए, सॉल्यूशन में याद रखिए, कभी भी प्रॉब्लम जो है वो दोबारा हमको याद से लिख लेना है ना। तो ये प्रॉब्लम था, और जब भी हमें क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आता है और आंसर शीट में उसे सॉल्व करना होता है, तो ये आदत आपको हमेशा याद रखनी है बेटा कि उसे क्वेश्चन को दोबारा लिख लेना है आपको सिर्फ मैथ्स में, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया है, प्रॉब्लम लिख लिया है 17p माइनस 2 इज इक्वल टू 49। अब हम क्या करते हैं कि जो वेरिएबल इंक्लूडेड वैल्यूज़ है, मतलब 17p एक वेरिएबल कनेक्टेड वैल्यू है बेटा, ठीक है ना। p वेरिएबल है और 17 एक उसकी वैल्यू है। इसके इज इक्वल टू सामने लिख लेने के बाद, इसके बाद आने वाली जो 49 वैल्यू है वो जैसे कि वैसे लिखते हैं, और ये जो माइनस 2 है अब यहाँ पे बन जाता है बेटा प्लस 2। अब आपको ऐसा लगेगा कि सर ये कैसे हुआ, ठीक है ना, ये माइनस 2 बराबर प्लस 2 बन गया, लेकिन बाकी की वैल्यू जैसी की वैसी ही है। तो ये एक बात ध्यान में रखिए कि जब मान लीजिए कि लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू आपको दी गई होती है और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दी गई होती है, उस पक्षांतर का अदली बदली हम लोग जब करते हैं, या मतलब 49 जो LHS में है वो RHS में जाएगा, तो वो प्लस 49 माइनस हो जाता है। या फिर ये मान लीजिए 17p या जो कि राइट हैंड साइड में है वो लेफ्ट हैंड साइड में जाता है ना, सॉरी ये लेफ्ट हैंड साइड में है और ये राइट हैंड साइड में जाता, तो ये 17p क्या हो जाता बेटा, माइनस साइन। मतलब जब भी हम लोग कोई भी वैल्यू की अदला बदली एक जगह से दूसरी जगह करते हैं इज इक्वल टू के चारों ओर, तो उसके चिन्ह में बदल होता है, मतलब उसका साइन बदल जाता है। अब देखिए 17p जो है वो चिन्ह के इस पार है, वो यही पार इसी पार हमने लिखा हुआ है, और 49 जो है वो चिन्ह के दूसरे साइड में है, RHS में है, तो वो भी जैसे कि वैसे ही लिखा जाएगा। बट यहाँ पे माइनस 2 जो है वो जब पक्षांतर करके दूसरी जगह पे मूव हो रहा है, इसलिए ये माइनस 2 जो है वो प्लस होगा, और यदि ये प्लस होता तो ये क्या पे यहाँ पे कौन सी साइन आती, माइनस साइन, करेक्ट। तो देयरफॉर अब इसे हम लोग सॉल्व करते बेटा। अब याद रखिए कि 49 को मैं जोड़ने के लिए प्लस 2 इसलिए मैंने साथ में लाया हुआ है, क्योंकि हमेशा याद रखिए कि सॉल्यूशंस कोई भी इक्वेशन सॉल्व करते समय, कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करते समय
कोई भी नंबर्स जो भी रहेंगे उन सभी नंबर्स को एक दूसरे के पास लेके आएंगे, और वेरिएबल कनेक्टेड नंबर जो भी रहेंगे उनको एक दूसरे के पास लेके जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारे पास तो कोई वेरिएबल कनेक्टेड वैल्यू नहीं थी, बट वैल्यू के साथ 49 नंबर के साथ कोई एक वैल्यू हमारे पास थी, इसलिए हमने ये दोनों को दूसरे एक दूसरे के पास लेके आ गए। अब बताइए बेटा 49 प्लस 2 कितना होता है, 49 प्लस 2 होता है बेटा 51। एंड देयरफॉर अगर हमने 17p = 50n ये वैल्यू लिख ली तो यहाँ पे हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। तो अब हम लोग इसे सॉल्व कैसे करेंगे, तो याद रखिए कि जब कोई वेरिएबल दोनों साइड में होने के बाद इज इक्वल टू के दोनों साइड में होने के बाद दोनों में कभी भी कोई चिन्ह नहीं होता, यानी कि प्लस माइनस ऐसा कोई भी साइन नहीं होता, तो याद रखिए वहाँ पे कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन। और यदि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन है, जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि यहाँ पे आपको कंसिडर कर लेना है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन है, तो देयरफॉर मल्टीप्लाई साइन के लिए पी इज इक्वल टू ऑटोमेटिकली मैंने बताया था कि यहाँ पे यदि प्लस साइन होता तो पक्षांतर करके दूसरी जगह पे जाता तो वो माइनस होता, और यहाँ पे अगर माइनस साइन होता तो पक्षांतर करके पहले साइड में आता तो प्लस होता। बट यदि कोई भी इक्वेशन में मल्टीप्लिकेशन वाला साइन हो तो जब वो पक्षांतर करता है तो वो डिवाइड में बदल जाता है, यानी कि आपका आंसर क्या होगा बेटा यहाँ पे पी इज इक्वल टू 51 डिवाइड बाय 17। तो स्टूडेंट देखिए 51 डिवाइड बाय 17 को हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में 51 डिवाइड बाय 17 इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब 17 1 द 17 17 2 34 एंड 17 3 द 51, तो आपका यहाँ पे आंसर आएगा बेटा पी इज इक्वल टू द 3। एंड देयरफॉर आपको यहाँ पे सॉल्यूशन सॉल्व करके पी की वैल्यू कितनी मिल रही है, 3 मिल रही है। तो ये हमारा यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकेंड प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमने यहाँ पे लिख लिया है 2m + 7 = 9। हाँ अब मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोग बोलना चाहते कि सर ये सॉल्व मत करके दीजिए, हम लोग सॉल्व करना चाहते हैं। नहीं, मैं ज़रूर इसे सॉल्व करके देखूँगा, बताऊँगा आपको, और फिर बाद में कुछ और एग्जांपल जो होंगे इसी की तरह सिमिलर होंगे वो ज़रूर मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा। जैसे मैंने बताया था कि इक्वेशन को दोबारा हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे इक्वेशन मैंने लिख लिया है। अब वेरिएबल कनेक्टेड वैल्यू है 2m, जैसे कि वैसे हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। 9 उधर RHS में है, वो भी जैसे कि वैसे ही होगा। प्लस 7 जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, माइनस 7। तो 9 में से 7 गए, यहाँ पे क्या बचेगा, 2। और देयरफॉर 2m = 2, हम लोग एज इट इज यहाँ पे लिख लेते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब कोई वेरिएबल्स या वैल्यूज़ में दोनों साइड में होने की वजह से वहाँ पे कोई साइन नहीं होता तो वहाँ पे कौन सा साइन होता बेटा, मल्टीप्लिकेशन। तो 2 into m = 2। एंड देयरफॉर यदि हमें m कैलकुलेट करना है तो सामने की संख्या बटे यहाँ पे 2/2 हो जाएगा। एंड देयरफॉर m इज इक्वल टू 2 से भाग देने के बाद 2 को आपको यहाँ पे आंसर मिलता है बेटा m = 1, जो कि ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से और बहुत सारे अच्छे अच्छे एग्जांपल आपको कॉपी में प्रैक्टिस 12.1 में आपको दिए हुए हैं, है ना। तो ये आप लोग कोशिश करिए इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की, और मुझे यकीन है कि आप लोग इसे ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। इसलिए मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ, वो होगा थर्ड एग्जांपल जो कि आपको होमवर्क करना है, है ना। और बाकी के एग्जांपल्स हम लोग ज़रूर देखने की कोशिश करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, अगले वीडियो तक जितना पोर्शन मैंने आपको पढ़ाया हुआ है इसे कॉपी में उतारिए और इसकी प्रैक्टिस करिए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम में कभी भी कोई डिफ़िकल्टी ना हो। थैंक यू क्लास, टेक केयर, बाय।